गुड डे, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय गर्ग, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल गाजियाबाद, विच इज़ द यूनिट ऑफ मणिपाल हॉस्पिटल्स इंडिया। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की और इसमें उत्पन्न होने वाले विकारों की, डिजीज ऑफ द प्रोस्टेट। जैसा कि है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक एक्सेसरी सेक्सुअल मेल ग्लैंड है जो सिर्फ आदमी में पाया जाता है और ये हमारे मूत्र रोग के द्वार पर होता है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर की नेक पर होता है। और इसकी जो सेकेंडरी फेज ऑफ ग्रोथ है वो देखा गया है कि 45 टू 50 ईयर्स के बाद में ये ग्रो करता है, जिसकी वजह से इसमें सिम्टम्स आते हैं। क्या सिम्टम्स हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड देता है जब ये बढ़ता है? नॉर्मली ये पेशाब के रास्ते को जब ब्लॉक करता है या भींज देता है तो उसमें दिक्कत आनी चालू हो जाती है। पेशाब खुल के नहीं आना, बार बार जाना, जो पेशाब की धार है, यूरिनरी फ्लो है, वो कम हो जाना, पैरों के पास गिरना, नज़दीक गिरना, ये सारी दिक्कतें प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से होती हैं। जब ये ग्लैंड ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके बाद में हमारे पेशाब की थैली में भी विकार चालू हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर बार बार कॉन्टैक्ट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार जाना पड़ता है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन, अर्जेंसी भी डेवलप हो जाती है। अर्जेंसी का मतलब है कि जिस समय पेशाब की हाजत होना तो तुरंत ही वॉशरूम की तरफ भागना। कभी कभी विकार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अर्ज इनकंटिनेंस, लीकेज ऑफ यूरिन, बिफोर अ पर्सन रीचेज द टॉयलेट ही लीक्स। सो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज अर्ज इनकंटिनेंस। अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो पेशेंट को ये समझना है कि ये जो दिक्कत चालू हो रही है तो हमें अपने किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलना है और जानकारी लेनी है कि ये तकलीफ़ क्यों हो रही है। शुरुआती तौर पे अगर हम किसी भी बीमारी का इलाज करें तो वो मेडिसिन से संभव है। जब कभी भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम चालू होती है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो अपने निकटतम यूरोलॉजिस्ट से मिले और ये समझे कि ये जो दिक्कत है उसको ये प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से है, और अगर हम टाइम पर इलाज चालू कर देंगे तो शुरू शुरू में इसका ट्रीटमेंट मेडिकल संभव है। जब ये ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो उससे पहले कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो एक पेशेंट को कराने होते हैं, जैसे कि यूरिन का रूटीन और रूटीन कल्चर। एक इस पे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है यूरोफ्लोमेट्री। इस यूरोफ्लोमेट्री से हम पेशाब की धार का आइडिया लगाते हैं कि पेशाब की प्रॉब्लम उसको कितनी ज़्यादा है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तीन कैटेगरीज में हम इस सिम्टम्स को बांटते हैं। इसके बाद में जो एक बेसिक और रेडियोलॉजिकल टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम उसके प्रोस्टेट के साइज़ को और कितना पेशाब अंदर रह जाता है ये जानकारी ले सकते हैं। इन सब के आधार पे और पेशेंट की समस्या के आधार पे हम उसको शुरू में मेडिकल ट्रीटमेंट चालू करते हैं, यानी कि दवाइयाँ देते हैं। आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे कि प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, इसका इलाज चालू कर सकते हैं। हाँ, जब समस्या बढ़ जाती है, पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होती है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब में बार बार ब्लड आना है, या साथ में कुछ और तकलीफ हो जाए जैसे किडनी पर असर पड़ रहा है या स्टोन्स बन रहे हैं, उस कंडीशन में मेडिकल ट्रीटमेंट से काम नहीं चलता और हमें सर्जिकल ऑप्शन पर जाना पड़ता है। गॉन आर द डेज जब हम ओपन सर्जरी किया करते थे। आज